हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम आलू से बने फ्रेंच फ्राई बनाने चल रहे हैं। तो ये हम आलू बॉयल करके छील के रख लिए हैं। देखिए, इसको हम बारीक कद्दूकस कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हम कद्दूकस कर रहे हैं। ये देखिए, सभी आलू कद्दूकस हो गई है। एक साइज की है, तो छोटी बड़ी इसमें बिल्कुल भी नहीं है। अब इसमें हम कद्दूकस करेंगे अदरक। अब ऐड करेंगे आधा चम्मच दरबरा कुटा हुआ लाल मिर्च, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच जीरा, स्वाद अनुसार नमक। अब हम इसमें मिलाएंगे अरारोट 2 चम्मच बड़े चम्मच से। देखिए, ये हरी धनिया हम इसमें ऐड कर दे रहे हैं। तो इसको हम अच्छी तरीके से मिला ले रहे हैं। ये देखिए, अच्छी तरीके से हम मिला लिए हैं। अब इसको इस तरीके से थाली पे हम बराबर फैला ले रहे हैं। ये देखिए, अब चाकू से हम एक साइज का इसको कट कर दे रहे हैं। इस तरीके से हम चाकू से एक साइज का कट कर लिए हैं। ये देखिए, ज़्यादा मोटा नहीं है, मीडियम साइज का है। अब इसको हम फ्राई करेंगे। इसी तरीके से हम सभी काट ले रहे हैं। इधर तेल हमारा गरम हो रहा है। अभी हम इसमें एक एक डाल के सभी फ्राई कर ले रहे हैं। इसको हम बराबर चला देंगे, नहीं तो ये जल जाएगा। ये देखिए, मीडियम गैस पे हमको इसको बनाना है। ये हमारा फ्राई हो गया है, इसको हम प्लेट में निकाल ले रहे हैं। इसी तरीके से अब हम और बना ले रहे हैं। देखिए, इसी तरीके से हम सारा बना के रेडी कर ले रहे हैं। ये हमारा फ्रेंच फ्राई बनके तैयार हो गया है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा हमारा तरीका कैसा लगा। हमारा तरीका अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। सभी भाई बहनों को नमस्कार और धन्यवाद।